छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित बालाघाट जिले के ग्राम मजगांव साले टेकरी में 20 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले एवं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन पूज्य भंते बोधिधम्म प्रज्ञादीप बुद्ध विहार दम्मोह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संजय उइके ने डॉक्टर अम्बेडकर के 3 प्रमुख वाक्यों को दोहराते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा कि जीवन में शिक्षित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षा के बिना सही और गलत का फर्क नहीं किया जा सकता। इसी तरह समाज का संगठित होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बिना संगठनात्मक शक्ति के हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में विधायक निधि से डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के लिए चबूतरा निर्माण को लेकर 1,00,000 रुपए दिए जाने की भी घोषणा की। शिक्षित होने के कारण वो इन सारी बातों को आप सबको अवगत करा रहे हैं। तो एक ही सार है कि हम सब लोग मिलकर शिक्षा की ओर आगे बढ़े, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर हम सब शिक्षित होंगे तो जो डॉक्टर साहब जामने साहब बार बार कह रहे थे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सच्चाई है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको जो संविधान दिया, जिसके बारे में बड़े विस्तार से हमारे जामने साहब ने बताया, अगर हम उसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब के लिए बहुत आवश्यक है, जैसा उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये बिल्कुल आवश्यक है, पढ़ना जरूरी है, अपने आप को गढ़ना जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। उनके अलावा कार्यक्रम को जिला बौद्ध संघ के अध्यक्ष संजय खोबरागड़े, प्रोफेसर नरेंद्र जामरे, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मरार, धन्नालाल पंचेश्वर एवं अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संयोजन सुरेंद्र मेश्राम, संदीप सूर्यवंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा एकता परिक्षेत्र कचनारी के द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर धनीराम बोरकर, उपाध्यक्ष अशोक मेश्राम, सचिव गिरधर मेश्राम, कोषाध्यक्ष पुष्पत मेश्राम भी उपस्थित रहे। बीजीटी मीडिया के लिए बिरसा दम्मो से अशोक एगारे की रिपोर्ट। देश को आजाद होना कर रहा होता है तब अंग्रेज लोग सवाल भारत देश के लोगों की करते कि आजाद तो होगा भारत, लेकिन आजाद भारत का एक संविधान बनाना पड़ेगा। तो आजाद भारत का संविधान बनाना पड़ेगा तो बाबा अम्बेडकर संविधान सभा का चुनाव लड़ते हैं। संजय भैया इतिहास की जानकारी ली, इसलिए मेरे को इतिहास के बारे में रखना पड़ेगा, मुझसे कहीं गलती हो जाए तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बाबा अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास नहीं बना। हम दूसरों के बाप दादाओं का इतिहास जानते हैं लेकिन खुद के बाप दादाओं का इतिहास हमको पता नहीं है, और इतिहास अगर जो लोग नहीं जानते तो उनका सत्यानाश भी हो जाता है। आपको और हमको ऐसा लगता होगा कि इतिहास नहीं जानने से क्या होगा, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि जो समाज, गौर से सुनिएगा, जो समाज या जो आदमी अपना इतिहास नहीं जानता उसका इतिहास नष्ट हो जाता है। जिस समाज का इतिहास नष्ट हो जाता है उसकी विरासत नष्ट हो जाती है, जिस समाज की विरासत नष्ट हो जाती है उसके धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है, जिस समाज का धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है उसका वर्तमान बर्बाद हो जाता है, जिस समाज इस आदमी का वर्तमान बर्बाद हो जाता है उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है, जिस आदमी का भविष्य बर्बाद हो जाता है वो आदमी जीवित मुर्दा बन जाता है, और जो आदमी जीवित मुर्दा बन जाता है वो जिंदगी भर लोगों के अत्याचारों को सहता है, और जो आदमी लोगों के अत्याचारों को सहता है वो आदमी गुलाम बन जाता है, और गुलाम आदमी का कोई इतिहास नहीं होता है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने हमको बताया कि आप अपने गुलाम समाज के लोगों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलाम समाज अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा और आजादी को वरण कर लेगा। इसलिए हमको अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है।